दिस इज नाजिया मलिक, मैं टीवी वन बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल टीवी वन पीके, सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराए रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। अलिश्पा, यू नो अजहर का वो लाइटर मिल गया। कहाँ था? वहीं अलमारी में था बुआ, देखें जरा। मैंने होटल में रूम बुक करवाया। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी को उठवा के पिटवाऊंगा, मगर उसने हरकत ही ऐसी की थी। देखो राहिल, एक्सप्लेनेशंस मत दो, उसकी गलती थी, अब उसे सजा मिल रही है। नहीं, आप मेरी बात सुने, हमें क्या पता कि उसे किसने उठाया है। और पहली बात तो ये कि वो रेडियो के सामने जा के रोज़ रोज़ खड़ा क्यों होता था, मेरी बेटी को तंग करने के लिए, बुड्ढा कहीं का। कह रहे थे कि पाकिस्तान आने वाले हैं और अगर कुछ मंगवाना हो तो उन्हें ज़रूर बताइएगा। ये आबिद अंकल? कौन आबिद अंकल? अरे मैंने अभी टेरेस से अजहर को गाड़ी में से पुलिस वालों के साथ उतरते हुए देखा है, अब क्या मुसीबत आ गई? लेकिन बाबा, अजहर तो अलिश्बा के साथ उसका आईफोन ठीक करवाने गए थे। तंग आ गया मैं, ये औलाद रोजाना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है और मुसीबत मेरी आती है। अस्सलाम वालेकुम। कौन है ये? बाबा, ये वो लड़का जो अलिश्बा को काफी अरसे से तंग कर रहा था, इसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये है वो? कहां से पकड़ा है इसे? गिजरी के पास से पकड़ा है, पुलिस वालों ने ही पकड़ा है इसे। तो यहां लाने की क्या जरूरत थी मियां? हमने कहा था इनसे कि हमें हमारी कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं, मगर ये यहां ले आए। ये शक्ल से तो तुम बहुत किसी शरीफ खानदान के लगते हो, लेकिन हरकतें देखी तुमने अपनी, बेशरम। सॉरी अंकल, सॉरी, प्लीज मुझे माफ। सॉरी का बच्चा? अजहर, आप जरा ऊपर आइएगा, ले जाएं आप इसे और ऐसी सजा दें कि ये सारी जिंदगी याद रखे और पूरे गैंग को पकड़े। बात सुनो, ये जो काम आपने किया ना, ये बहुत नेकी का काम किया है, पता नहीं कितने और घर इन मनुष्यों ने उजाड़े होंगे। शाबाश। एक मिनट, थैंक यू। क्या जरूरत थी इसकी? नहीं नहीं, जरा हवालात में सही छतरौल होनी चाहिए इसकी। गुड, ले जाइए। सॉरी अंकल, प्लीज। आप इन कुंडों को घर ले आए। सामिया, बच्चे हैं वो। और ये पुलिस वाले लफंगे कैसे घूर घूर के देख रहे थे मुझे, ये इस काबिल है कि इन्हें घर लाया जाए? फिर इस तरह मैंने नहीं सोचा था। क्या चक्कर है सर? सामिया, वो मुझे सब पता चल गया है सर। इतना बड़ा वाकया हो गया इस घर में और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। कौन सा वाला वाकया? क्या क्या हुआ है मेरी गैर मौजूदगी में? भाई, भाभी वो ब्लैकमेलिंग वाली बात कर रही है। और भी कुछ हुआ है सर क्या? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे और भी कुछ हो, बस यही मामला था जो कि हल हो चुका है। काफी स्टूपिड है आप, अलिश्बा को भी साथ ले गए, कुछ हो जाता तो। देखो सामिया प्लीज, तुम ऊपर से नहीं आया करो, बच्चे हैं वो, कुछ नहीं कर सकते। बच्चे वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग नहीं करते अजहर, अकल के नाखून लो। चलो अलिश्बा। वेमिनार, भाई मुबारक हो, पुलिस वाले आए थे,
कहाँ आए थे? यहाँ? क्यों? अब आप ही बता दीजिए प्लीज। भाई वो जो दो लड़के ब्लैकमेल कर रहे थे हमारी अलिशबा को, वो गिरफ्तार हो चुके। लेकिन पुलिस हमारे यहाँ क्यों आई थी? अरे भाई ये आपके बड़े साहबजादे का कारनामा था, वो पुलिस को यहाँ लेकर आए थे और फिर अलिशबा को साथ ले गए शनाख्त परेड के लिए। अच्छा, जो ये लोग ये करने गए थे? जी। वैसे ये तो खुशी की बात है। इसमें खुशी की कौन सी बात है? अमीर माँ बाप के बच्चे हैं, वो दो चार दिन में रिश्वत देकर छूट जाएंगे। तो आप भी रिश्वत खिला देते? हाँ भाई, कुछ ऐसा काम करके तो आया हूँ मैं। पुलिस वालों ने मुझसे वादा किया है कि 3 दिन से पहले हम इन लड़कों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी छुड़ाने आए। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं अभी नफीसा को कॉल करती हूँ। वो नहीं जिसका बेटा वो अखबार के दफ्तर में काम करता है, उसको कहती हूँ खींचे इनकी तस्वीर और छापे अपने अखबार में कमबख्त ने। हाँ, और उसे कहना कि उन तस्वीरों के नीचे अलिशबा का नाम जरूर लिखवाए, ताकि सबको पूरी दुनिया को पता चले कि ये लड़की सिगरेट पी रही थी और वो लड़के इस वजह से इसको ब्लैकमेल कर रहे थे। तस्वीरें छपवाओगी? वो वीडियो कहाँ है? अरे बेगम, उस वीडियो में कख नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। अरे हाँ, उसमें तो दूर अलिशबा मैं पहचान सकता हूँ, कोई और नहीं पहचान सकता। और अलिशबा ठीक है, परेशान हुए चली जा रही थी। फोदा पहाड़ निकला चूहा। इस लड़की ने इस वीडियो के चक्कर में घर में चोरी तक की है। वैसे मैं तो कहती हूँ उन कमबख्तों को भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। वैसे जो हमारा घर है ना, किसी ड्रामे से कम नहीं है। सोप ओपरा है ये, सोप ओपरा। रहने दे रहने दे, दूसरों के घरों में पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं? भाई मैं कैलूला कर रहा हूँ। पेट देखा है आपने अपना? क्यों, क्या हुआ पेट को? हाँ, लेट के तो कभी नजर नहीं आएगा। उठे। अरे भाई लेटा रहने दो मुझे। पांच उठे ना, शाम हो रही है, चल के वॉक पे चलते हैं। चले उठे। अरे नहीं भाई, उठ जाए। ओहो भाई क्या मुसीबत है, चलो वॉक करने। हाय, दिस इज नाजिया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराए रास अलर्ट अपने मोबाइल पर। अलिशबा, यू नो अजहर का वो लाइटर मिल गया। कहाँ था? वही अलमारी में था बुआ, देखें जरा। मैंने होटल में रूम बुक करवाया। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी को उठवा के पिटवाऊंगा, मगर उसने हरकत ही ऐसी की थी। देखो राहिल, एक्सप्लेनेशंस मत दो, उसकी गलती थी, अब उसे सजा मिल रही है। नहीं, आप मेरी बात सुने, हमें क्या पता कि उसे किसने उठाया है। और पहली बात तो ये कि वो रेडियो के सामने जा के रोज़ रोज़ खड़ा क्यों होता था, मेरी बेटी को तंग करने के लिए, बुड्ढा कहीं का। कह रहे थे कि पाकिस्तान आने वाले हैं और अगर कुछ मंगवाना हो तो उन्हें ज़रूर बताइएगा। ये आबिद अंकल? कौन आबिद अंकल? अरे मैंने अभी टेरेस से अजहर को गाड़ी में से पुलिस वालों के साथ उतरते हुए देखा है, अब क्या मुसीबत आ गई? लेकिन बाबा, अजहर तो अलिशबा के साथ उसका आईफोन ठीक करवाने गए थे। तंग आ गया मैं, ये औलाद रोजाना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है और मुसीबत मेरी आती है। अस्सलाम वालेकुम। कौन है ये?
बाबा ये वो लड़का है जो अलजबा को काफी अरसे से तंग कर रहा था, इसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये है वो, कहां से पकड़ा है इसे? गिजरी के पास से पकड़ा है, पुलिस वालों ने पकड़ा। रशीद शेख। रशीद शेख नाम तो सुना हुआ लगता है। बाबा सबसे कामयाब प्रोड्यूसर है पाकिस्तान का। He is young, मगर फिल्म भी बना चुका है। देखते हैं क्या कहता है इंटरव्यू में। हाँ, मैंने इस रशीद शेख के बारे में शायद अखबार में पढ़ा है। लोग कहते हैं बहुत ही रूड आदमी है। वैसे बेटा इस किस्म के लोग जो होते हैं ना शो बिजनेस में, वो अमूमन रूड ही होते हैं। दो दफा कैंसिल कर चुका है इंटरव्यू, अब आएगा तो ऐसा इंटरव्यू लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या करोगी? टेढ़े-टेढ़े सवाल पूछूंगी। You naughty girl. चिप्स खाएंगे। Thank you very much for asking. Hello, अली। हाँ अली, अजहर बात कर रहा हूँ। यार बात सुन, तेरी भाभी का तेरे पास जब फोन आया ना तो उठाना मत। यार समझ जाओ ना। हाँ बस समझ जाओ। यार मैं अभी रखता हूँ, मैं जल्दी में हूँ। ओके। जैन, हेलो। यार आवाज़ कट रही है यार, साइड में आओ कहीं पे। हाँ जैन बात सुनो, तुम्हारी भाभी का तुम्हारे पास अगर फ़ोन आया ना तो कहना कि गवादर जाते हुए रास्ते में बात हुई, ठीक है? यार सीन मैं समझा दूँ। यार अब ये नहीं करो ना यार, मैं अभी जल्दी में हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ नादिया, कहाँ हो? आई एम वेटिंग इन द रूम। डू यू वॉन्ट मी टू गेट यू समथिंग? नो, बस अब तुम आ जाओ। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मैं और कहाँ जाऊँगा? पता है सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। नादिया वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। बीवी से क्या कह के आए हो? देखो प्लीज प्लीज भूल जाओ कि मैं किसी का शौहर हूँ। मैं अजहर हूँ और आज की रात मुझे मेरे साथ ही रहने दो। डरते नहीं हो? याद आ गई आपको हमारी? I'm so sorry. तुम्हें देखने आना था मगर वो। It's okay. मगर उस दिन हुआ क्या था? कुछ नहीं, बाबा की तबीयत खराब हो गई थी। खैर ये बताओ तुम कैसे हो? Are you sure? क्योंकि अलीना कह रही थी कि तुम हॉस्पिटल गई थी। अब वो मैं बाथरूम में गिर गई थी। खैर छोड़ो, एग्जाम्स दे रही हो कि नहीं? हाँ, दो पेपर्स दे रही हूँ। तैयारी हो गई? किसी हद तक। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हुई यार। अच्छा, हमेशा यही कहते हो और फिर टॉप करते हो। नहीं, इस बार ज़रा मुश्किल है। वो अलिश्पा, एक ज़रा ज़रूरी कॉल आ रही है, आई विल कॉल यू बैक। ओके श्योर, बाय। बाय। हेलो, कहाँ हो? वो सॉरी, ज़रा एक कॉल आई हुई थी। तुम्हारी कॉल आई हुई थी? ऐसे ही पढ़ने बैठ रहा था, सोचा पहले आपको फ़ोन कर लूँ। यू नो राहिल, आई हैव टू थैंक यू। तुमने मुझे इतने बड़े जंजाल से निकाला है, यू कांट इवन इमेजिन हाउ लाइट आई फील। कैन यू इमेजिन? नो मोर सुहेर। वो तो बड़ा डरपोक निकला। सुना है वैसे कि पहले थप्पड़ में ही पैरों में गिर गया। आर यू सीरियस? वो तो बड़ा तीस मार खान बनता था। पिटाई तो बहुत हुई है उसकी, पैदल आया फार्म हाउस से। पैदल आया है? रियली? They destroyed his car. His beloved car. बहुत अच्छा हुआ। You know, I tried to convince him कि एक pink गाड़ी खरीद ले ताकि उसकी इतनी बेइज्जती हो। क्यों? फिर कुछ नहीं, फिर उसके दोस्तों ने उसका इतना मजाक उड़ाया, बुड्ढे से लोग हैं, ऐसा रिकॉर्ड लगा उसका कि बस। Eventually, of course, फिर उसने नहीं खरीदी। No way. खैर, सारा credit मेरे dad को जाता है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। वैसे एक बात है, मेरे डैड सीधों के साथ सीधे और टेढ़ों के साथ टेढ़े। What? अब क्या हो गया? लगता है फिर गुस्सा हो गई।
अलिश्पा आई थी, घूरी करा के चली गई। असल में वो अलिश्पा से मैं बात कर रहा था जब आपका फोन आया, और फिर मैंने उसे कटा दिया। अलिश्पा, क्या हुआ चंदा, क्यों रो रही हो? नहीं भाभी, कुछ नहीं, एग्जाम्स नहीं दे सकी ना इसलिए। तो क्या हो गया? पता नहीं क्यों जब से मैं आई हूँ मुझे तुम्हारी तरफ से बहुत डर लग रहा है। भाभी मैं ठीक हूँ। बताओ तो, तुमने अजहर से अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो देखो मसला हल हो गया ना, अब क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लें। अच्छा तो ये क्या है फिर? अब ये तो मैं बाथरूम में गिर गई थी, मिरर से कट आ गया था। अच्छा जी भाभी, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, रिलैक्स। सच कह रही हो ना? अच्छा ये बताएं, आपने अपनी मम्मी के घर क्या क्या किया? सारी गॉसिप बताऊंगी। आज कोई मूवी देखें? गुड आइडिया। अजहर भी नहीं है तो ऐसे करते हैं, मेरे रूम में चलते हैं। श्योर। क्या बात हो गई? आज हम मूवी देख रहे हैं, इन माय रूम। ग्रेट, आई जॉइन यू गाइस। डेफिनेटली, सो इट मींस वी आर हैविंग गर्ल्स नाइट। आप लोग करें गर्ल्स नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। अलिश्पा अभी तो सामिया ने अलिश्पा की कलाई पे निशान देख लिया और हमसे पूछ लिया। और बुआ ने मासूमियत में सब कुछ उगल दिया होगा, मुझे पता था। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हो तुम? क्यों मुझे यहाँ पे बार बार फोन कर रहे हो? मैंने उसका हाथ देखा था, उसे अभी भी तकलीफ हो रही है। चोटें तो लगती रहती हैं बेटा, बस। वैसे यह सब हुआ कैसे? और ये हो नहीं सकता कि शीशे से तुम्हारा हाथ इस बुरी तरह से कटा हो। या अल्लाह, अब क्या होगा? Thank you.